तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। गदर 2 अपना शानदार 7 दिन कंप्लीट करके पहला हफ्ता पूरा कर लिया है और आज 8वें दिन में एंट्री मार ली है। यहाँ दोस्तों सेम जैसी ग्रोथ बाकी के 7 दिन तक ये फिल्म करते दिखी थी, वही वाइव 8वें दिन में भी हाई पीक पर दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, आज भी ढेर सारे नए रिकॉर्ड को तोड़ने की रेस में मूवी निकल चुकी है। बाकी में दोस्तों गदर 2 गदर मचाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है और जनता का प्यार इस फिल्म को भरपूर मिल रहा है। तो आज जानेंगे 8वें दिन में क्या धमाल कर रही है ये फिल्म और कल 7वें दिन तक कैसी ग्रोथ रही मूवी की, टोटल कितनी कमाई कर सकती है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी सनी पाजी और तारा सिंह का डाई हार्ट फैन हैं और गदर 2 का बेसब्री से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब गदर एक प्रेम कथा आई थी, इस फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उस टाइम भी एक सॉलिड अपोनेंट के साथ इस मूवी को क्लैश करना पड़ा था और आमिर खान की लगान फिल्म के साथ ओपन करा गया था। लोग तब भी इस फिल्म को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन आफ्टर सक्सेस ऑफ गदर फर्स्ट वी ऑल नो द रिजल्ट। सेम क्लैशेस अभी भी देखने को मिले, लेकिन इस बार लोगों के दिलों में ऑलरेडी पॉजिटिविटी थी गदर 2 को लेकर। इसलिए जितनी भी फिल्म साथ में रिलीज हुई, चाहे OMG 2 हो गई या जेलर हो गई या भोला शंकर हो गई, सबको देखकर हर रोज ये फिल्म मोटी कमाई अपने खाते में रखने में सफल हुई। साथ में पठान जैसी इस साल की जायंट मूवी को भी खदेड़ रही है। जी हां दोस्तों, गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी है अभी तक की, और ऐसा ही चलता रहा, रोज मोटी कमाई अपने खाते में रखती रही, तो यह पठान को खदेड़कर इस साल की नंबर 1 ग्रॉसर भी बन सकती है। दोस्तों यह मूवी सिर्फ मूवी नहीं रह गई, एक इमोशन बनकर उभर रही है पूरे भारत में, जिसे जनता 2001 में छोड़ कर आई थी और अब वो सब रिकॉल हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वाकई में दोस्तों गदर मूवी नहीं है, एक इमोशन है। और गदर ने कल एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करते हुए पहला हफ्ता कंप्लीट करके जो ऐतिहासिक कमाई करी है, इसे कोई भूल नहीं सकता। लेकिन बॉक्स ऑफिस की बात करने से पहले आपको बता दूं तो गदर 2 गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है, जिसे 2001 में रिलीज कराया गया था और इसके लीड में पहली बार सनी पाजी तारा सिंह के रोल में आपको देखने को मिले थे, जो पहले से ही घातक घायल जैसी दमदार ब्लॉकबस्टर फिल्म पहले ही दे चुके थे और एक्शन के मामले में बाप मूवी बनकर उभरी थी एट दैट टाइम। ये मूवी तारा सिंह को वही प्यार अब फिर से मिल रहा है और मूवी में सनी पाजी ने गजब का एक्शन करा है एक बार फिर से अपनी 60 साल की उम्र के बाद भी। जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है अपनी पुरानी यादें ताजा करके ही आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया है और मूवी को 4000 स्क्रीन पर रिलीज करा गया था। और गदर 2 ने गदर मचाने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 40 करोड़ तक का कलेक्शन करा था, दूसरे दिन 43 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन किया और अपने तीसरे दिन में ऐतिहासिक कमाई करते हुए 51 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन करा था। और पहले 3 दिन में ही इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 134 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच कर लिया था, जो कि इस साल की मॉन्स्टर पठान के तीसरे दिन के रिकॉर्ड और बाहुबली के तीसरे दिन के रिकॉर्ड को भी खदेड़ता है हिंदी कलेक्शन के मामले में। वही अपने चौथे दिन में भी 40 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन अपने खाते में रखा, 5वें दिन में इंडिपेंडेंस डे का फुल एडवांटेज लेते हुए, हॉलीडे का एडवांटेज लेते हुए ऐतिहासिक कमाई अपने खाते में रखी और बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बनी अपने 5वें दिन में। इतनी बड़ी कमाई करने वाली और सनी पाजी के करियर की पहली फिल्म बन चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, 55 करोड़ का कलेक्शन अपने 5वें दिन में करा था। इसी के साथ पहले 5वें दिन का टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 234 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था और पूरी दुनिया से 300 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच करने वाली पहली फिल्म बन चुकी थी कम समय में, फास्टेस्ट 300 करोड़ कंप्लीट करने वाली इंडियन बॉलीवुड सिनेमा की हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड के मामले में। जी हाँ दोस्तों, और हिंदी कलेक्शन में बाहुबली, KGF, पठान, संजू, भोला, इन सबको खदेड़ चुकी थी गदर 2। बात करें छठे दिन और कल यानी 7वें दिन में कैसी ग्रोथ रही, भाई साहब अमेजिंग ग्रोथ रही। छठे दिन में 32 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करा मूवी ने, वहीं कल अपने 7वें दिन में फिर से एक हिस्टोरिकल कमाई करते हुए हुंकार भरी थी। हाँ अब आंकड़ा गिरता दिखा, लेकिन अभी भी OMG 2 के ओपनिंग डे और 5th डे कलेक्शन रिकॉर्ड से भी कहीं बढ़कर यह है आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, 23 करोड़ का सफल आंकड़ा अपने खाते में रखने में सफल हुई मूवी अपने कल 7वें दिन के एंड ऑफ द डे तक, और पहले 7 दिन का 283 करोड़ का कलेक्शन टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से कमा चुकी थी और पहले हफ्ते यानी अपने पहले 7 दिन का ऑल इंडिया ग्रोथ से 342 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी और पूरी दुनिया से पहले 7 दिनों का कलेक्शन 375 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करने में सफल रही है मूवी। लेकिन वही बात करें आज यानी डे 8 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो आज भी एडवांस से 7 करोड़ का कलेक्शन जबरदस्त करते हुए खाता खोलते नजर आ रही है और मॉर्निंग्स ने ही आफ्टरनून और इवनिंग में भी जबरदस्त शो अपने हिस्से में रखते हुए
हुए और सॉलिड ऑक्यूपेंसी रेट आफ्टरनून में रखते हुए मूवी जबरदस्त स्टैंड करते दिख रही है। जनता भर भर के प्यार दे रही है और मूवी आज भी कल की तरह लगभग 20 से 22 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम करते दिख रही है एक बार फिर से। और अपने पहले 8 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 304 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करते नजर आ रही है एंड ऑफ द डे तक, सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये फिल्म आज 400 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच कर लेगी और सनी पाजी के करियर की बिगेस्ट ग्रॉसर बन के उभरेगी ये मूवी जिसने 400 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया हो। और इस साल की जाइंट पठान को भी अपने 3 हफ्ते की मोटी कमाई से खदेड़ते नजर आ रही है। तो दोस्तों मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है, नो डाउट। जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है, थिएटर हाउस अभी भी कई जगह खचाखच भरे हुए हैं। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आप लोगों ने भी गदर 2 देख लिया है, आपको मूवी कैसी लगी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। और गदर 2 क्या 1000 करोड़ का आंकड़ा टच कर पाएगी या नहीं, या पठान जैसी जाइंट मूवी को खदेड़ पाएगी या नहीं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।